ये काफी बुक्स में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं ऑलमोस्ट हर अच्छी एक्स्ट्रा बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर पेपर थोड़ा सा भी कम आया स्कूल लेवल पे, तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो करना कैसे होता है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। उनमें से एक तरीका क्या है, शायद आपने भी ऐसे ही किया, एडी को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, जो कि बीसी को कहीं ना कहीं ई पे कट कर रहा है, बीसी को कहीं ना कहीं ई पे कट कर रहा है। आपने एडी को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस एडी सच दैट इट इज इंटरसेक्टिंग बीसी एट। अब आप ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल आपको ये नजर आ रही है ऑरेंज वाली, जिस ट्रायंगल का नाम ए बी ई है। इस क्वेश्चन को करने की एक डायरेक्ट ट्रिक दिया है, उस डायरेक्ट ट्रिक को भी बताता हूं कि ये जो एंगल एक्स होगा वो इन तीनों का सम होगा। लेकिन स्कूल लेवल पे आप डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, ऑब्जेक्टिव पेपर में आप लगा सकते थे कि आप 30 + 50 + 55, 80 + 55 एक्स की जो वैल्यू होगी 135 होगी। लेकिन स्कूल लेवल पे ऐसे नहीं कर सकते आप। तो ये आप अगर आप ध्यान से ए बी ई ट्रायंगल देखो, तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्राउन वाला, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। कौन से ट्रायंगल का? ए बी ई का। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बोलो, सम ऑफ इंटीरियर। तो 50 + 30 कितना हुआ? 80। तो ये जो ब्राउन एंगल निकला, ये 50 + 30 यानी कि 80 निकला। अब आप ट्रायंगल बीईसी को देखो ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से देखना, ट्रायंगल बीईसी। मैं कलर ले लेता हूं इसका, रेड कलर दिख गई सबको ये? यस। और इसकी जो ईडी साइड है वो ए तक प्रोड्यूस की है, और इसका एक्सटीरियर एंगल एक्स है। तो ईसीडी ट्रायंगल में ईडी साइड को ए तक प्रोड्यूस किया गया लॉजिकली, और एक्सटीरियर एंगल एक्स है। तो दिस एक्स इज 135 निकाला है, बिल्कुल सही। और इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है आंसर वेरीफाई करने के लिए, ये जो एंगल होगा ये वाला, ये इसका इसका और इसका क्या होगा बेटा, सम होगा। कुछ भी मान लो, ये एंगल ए दिया हो, ये बी दिया हो, ये सी दिया हो, तो ये जो एंगल होगा क्या होगा बोलो, ए प्लस बी प्लस सी। ये डायरेक्ट ट्रिक है। बोलो, सबको समझ आ गया अच्छे से? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर,